अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम अपनी सीरीज़ का एमएस वर्ड की हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसका अपना टाइटल बार का। अब हम मेन्यू बार का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि मेन्यू बार में होता क्या है। एमएस वर्ड में आपके पास जो मेन्यूज़ होते हैं वो आपके वन ये में आपका मेन्यू बार है। इसमें कितने मेन्यूज़ हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आपके मेन्यूज़ हैं बेसिक, जिसमें आपका ये जो आपका मेन्यू है ये आपका मेन्यू है फाइल का मेन्यू, पहला मेन्यू जिसमें आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स होती हैं, जिसमें कि आप फाइल सेव करते हैं, फाइल ओपन करते हैं, फाइल क्लोज़ करते हैं, फाइल के साथ जो फाइल के ऊपर जितने ऑप्शन आपके ऑपरेशन अप्लाई होते हैं वो सारे आपके इस फाइल के मेन्यू में होते थे। 2007 का जो वर्जन था उसमें ये फाइल का मेन्यू नहीं था, बल्कि यहाँ पर आपका आता था आपका ऑफिस बटन, जिस ऑफिस बटन को आप क्लिक करते थे तो यही ऑप्शंस में आते थे, थोड़ा सा इसका इंटरफेस डिफरेंट था। तो 2007 के बाद जो 2010 है उसमें और उसके बाद के जो वर्जन है उसमें इस तरीके का इंटरफेस दिया हुआ है। कमांड्स की भी वही कुछ छोड़ा, इन्होंने थोड़ी सी चेंजेस इसमें कर दिए, जैसे उसमें इन्फो का ऑप्शन नहीं था, इसमें इन्फो का ऑप्शन है और इन्फो का ऑप्शन में इन्होंने सारे जो फाइल की प्रोटेक्शन के ऑप्शन हैं वो सारे इन्होंने रख दिए हैं वर्जन के ऑप्शन रखे हुए। तो ये आपका फाइल का मेन्यू 2007 के बाद, ये 2010 और उसके बाद के वर्जन में ये आपका मेन्यू दिया गया। और इससे पहले ये ऑफिस बटन हुआ करता था, यहाँ पर एक सर्कल बना होता था जिसमें ऑफिस बटन लिखा होता था, आप उस पर काम करते थे। अच्छा, दूसरा जो इसका मेन्यू यानी एमएस ऑफिस में जो एक्चुअल इसका यहाँ से स्टार्ट होता है होम मेन्यू। होम मेन्यू क्या करता है? इंसर्ट क्या करता है, पेज लेआउट क्या करता है, रेफरेंस क्या करता है, मिलिंग क्या करता है, रिव्यू क्या करता है और व्यू क्या करता है, ये मैं आपको इसका आज पूरा इंट्रोडक्शन डिटेल में देता हूँ। अच्छा, जो होम का मेन्यू है ये बेसिकली जब हम ऑफिस 97 से लेके जब हम काम करते थे 2003 तक में, तो उसमें तमाम ऑप्शन जो दिए होते थे तकरीबन ऐसे ही ऑप्शन हुआ करते थे सारे, लेकिन उनकी प्रॉपर लोकेशंस जो है वो अलग अलग मेन्यूज में सेट हुआ करती थी। जैसे बुलेट्स के जो ऑप्शन थे वो किसी और मेन्यू में थे, इसी तरीके से आपके और दूसरे आपके जो फॉन्ट के ऑप्शंस थे वो कुछ यहाँ थे, कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शन किसी दूसरे मेन्यू में थे, एडिटिंग के ऑप्शंस एडिट मेन्यू में थे कहीं, तो वो मेन्यूज़ क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो गया 2003 में, तो 2003 के बाद 2007 जो आया उसमें इन्होंने जितने भी मेन्यूज़ थे उनको रीऑर्गेनाइज किया और उन्होंने क्या किया कि इसको सेगमेंटाइज कर दिया कि आप जिस सेगमेंट की कमांड होगी वो उस मेन्यू से में उन्होंने स्टोर कर दिए। जैसे जितनी भी पेज से रिलेटेड कमांड हैं जो पेज पर आपके इस्तेमाल होंगी वो सारी की सारी उन्होंने पेज लेआउट में दे दी हैं। इसमें पेज का साइज़ हो गया, देखिए सारी चीज़ें होंगी, तो ये पेज के अंदर सारी पेज के ऊपर अप्लाई होने वाली सारी कमांड इन्होंने पेज लेआउट में दे दी, तो ये सेगमेंट बना दिया था। होम का मेन्यू क्या है? होम के मेन्यू में तमाम कमांड मिक्सड हैं, यानी वो कमांड जो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं उसको उन्होंने होम मेन्यू में रख दिया है, क्योंकि होम एक जो आपका वर्ड है ये आपको इंडिकेट करता है कि होम का मतलब घर, तो घर में आप तमाम चीज़ें अपने इस्तेमाल की रखते हैं, तो होम मेन्यू में जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी वो हैं जो आप यूज़र फ्रेंडली हैं और मोस्टली यूज़ होती हैं आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो उन्होंने इसको जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कॉमनली हर फाइल में आप यूज़ करेंगे, हर एप्लीकेशन लेटर जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं उस पर आप यूज़ करते हैं, तो इसलिए इन्होंने होम मेन्यू के अंदर इसको स्टोर कर दिया। इसमें कितने सेगमेंट्स हैं? इसमें क्लिपबोर्ड का सेगमेंट है, इसमें फॉन्ट का सेगमेंट है, इसमें एक पैराग्राफ का सेगमेंट है, स्टाइल का सेगमेंट है और एडिटिंग का सेगमेंट है। ठीक, अब फॉन्ट के अंदर ये सारी फॉन्ट्स की कमांड स्टोर है। ठीक है, अब इसके अलावा जो कमांड्स मज़ीद इसमें हैं वो कहाँ हैं? आप इस जो ये आप बाहर देख रहे हैं जब इसको क्लिक करेंगे आप, तो ये मज़ीद कमांड जो इसमें इस पर जगह ना होने की वजह से नहीं आ सकी है, जब आप इसको क्लिक करेंगे इस कॉर्नर को तो ये आपको मज़ीद इसमें जो कमांड्स हैं वो आपको दे देगा सारी। तो अभी इस होम के मेन्यू में सारी वो कमांड्स जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं आपके डॉक्यूमेंट पे सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं वो इन्होंने इसमें स्टोर कर दी हैं। और इसी तरीके से इंसर्ट का मेन्यू है, इंसर्ट के मेन्यू के अंदर हम जब बात करते हैं कि इंसर्ट के मेन्यू क्या, तो इंसर्ट के मेन्यू के अंदर वो तमाम कमांड्स जो आप अपने डॉक्यूमेंट में एज एन स्पेशल केस यूज़ करते हैं वो सारे के सारे इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स इसमें मौजूद हैं। इसमें ज़्यादातर आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर कोई आपको पिक्चर स्टोर करनी है, कोई शेप स्टोर करना है, कोई आपको
शेप चाहिए, कोई आपको चार्ट चाहिए, तो ये सारी कमांड देखें इसमें स्टोर हैं, मौजूद हैं। तो इसी तरीके से आपको स्मार्ट आर्ट चाहिए तो स्मार्ट आर्ट के सारे ऑप्शन देखें यहाँ आ गए। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इनको आप अपने डॉक्यूमेंट में स्टोर करते हैं, हर डॉक्यूमेंट में नहीं ज़रूरत होती इनकी, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर आप, जैसे आप अपनी CV बना रहे हैं तो CV बनाते वक्त आप अपनी सारी डिटेल लिखेंगे उसमें, अपने सारी अपनी एजुकेशन वगैरह लिखेंगे, अपना सेल नंबर लिखेंगे, अपने घर का एड्रेस लिखेंगे, यानी इसमें अल्फाबेटिक, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन सारी होगी, साथ में आपकी एक पिक्चर भी होगी। तो वो पिक्चर जो है वो कहाँ से स्टोर, आप कहाँ से इंगेज करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो पहले आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और फिर आप जाएंगे पिक्चर में, और पिक्चर में से जाके जहाँ आपकी पिक्चर पड़ी है, अगर किसी USB पर है तो USB से उठा लेंगे, अगर किसी फाइल में कहीं मौजूद है तो वहाँ से उठा लेंगे, ठीक है ना। अगर पिक्चर के फोल्डर में है तो पिक्चर के फोल्डर को क्लिक करेंगे, देखें पिक्चर के फोल्डर में कुछ है, हाँ जी पिक्चर के फोल्डर में अगर कुछ होगा तो आपके पास सामने आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर आपके पास वो नहीं आएगा। तो ये देखें सारी आपकी कमांड्स, इसमें जो डेटा है वो भी इस वक्त नहीं है, लेकिन इसको फिर जैसे हम पढ़ेंगे तो उसका डेटा हम इसमें इंगेज कर लेंगे। तो इस तरह से आप, अगर आपके पास USB में पिक्चर है तो आप कहाँ जाएंगे, माई कंप्यूटर में जाएंगे, माई कंप्यूटर में जाके आप अपने USB ड्राइव को क्लिक करेंगे और USB से आप अपने पिक्चर को उठा लेंगे। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ इंगेज करेंगे, अच्छा इस तरह सिम्बल्स हैं, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में सिम्बल चाहिए तो सिम्बल यहाँ से आप इंगेज करते हैं। देखिए यहाँ से अगर आपको सिम्बल चाहिए तो ये सारे सिम्बल्स आपको मिल जाएंगे, जितने आपको सिम्बल्स रिक्वायर्ड हैं, इसमें सिम्बल्स की कैटेगरी सारी दी हुई हैं, आप यहाँ से तमाम के तमाम सिम्बल्स की कैटेगरीज को इंगेज कर सकते हैं। देखिए मैंने इसमें से इंगेज किया, अगर आपको फ़ोन का सिम्बल चाहिए तो आप फ़ोन का सिम्बल यहाँ से जाके क्लिक करेंगे और क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे, तो देखें ये आपके ऑब्जेक्ट, ये आपको ये ऑब्जेक्ट आपके स्क्रीन पर आ गया। तो इंसर्ट के मेन्यू हमारा मोस्टली यूज़ जो होता है वो तब यूज़ होता है जब हमें अपने डॉक्यूमेंट पे ऑब्जेक्ट्स इंगेज करने हो, या सम स्पेशल जो आपकी कमांड जैसे टेबल्स वगैरह इंगेज करते हैं हम, और दूसरी चीज़ें इंगेज करते हैं, तो इस तरह से हमारे वर्ड आर्ट वगैरह हैं जिसमें आपके सिंबल्स वगैरह सारे दिए हुए हैं, तो ये तब हम इंसर्ट के मेन्यू उसमें यूज़ करते हैं। इलस्ट्रेशन है आपका, पेज है, टेबल है, लिंक्स हैं, हेडर फुटर है, टेक्स्ट है, और आपका सिम्बल्स हैं। इक्वेशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर, अगर आपको इक्वेशन यूज़ करना चाहें तो यहाँ से आप क्वाड्रेटिक की इक्वेशन भी उठा सकते हैं, पूरी इक्वेशन का सैंपल बना हुआ है, आप उसको क्लिक करेंगे वो यहाँ आपके डॉक्यूमेंट पे इंगेज हो जाएगी। तो ये इंसर्ट का मेन्यू आपका इस पर्पस के लिए यूज़ होता है। फिर पेज लेआउट के मेन्यू में जब आप जाते हैं तो पेज लेआउट के मेन्यू में सारी वो कमांड्स आपकी होती हैं जो आपकी प्रिंट आउट पर इफेक्ट करेंगी, यानी इसका ताल्लुक आपकी वो तमाम चीज़ें जो जिसका ताल्लुक आपकी हार्ड कॉपी से है, जो आपके जैसे आपके जो पेज जो प्रिंटिंग लेते हैं उस पर, उससे आपका ताल्लुक है, तो वो सारी कमांड्स यहाँ मौजूद हैं, ये इनका सारा इम्पैक्ट आपके प्रिंट आउट पर आएगा स्क्रीन पर, एज वेल एज इसका इम्पैक्ट आपके प्रिंट आउट पर आएगा, यानी प्रिंट आउट जब प्रिंटर से निकालेंगे तो जो कमांड आप सेट करेंगे वो बाज़ाब्ता उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, यहाँ पर मार्जिन हैं आपके, जो मार्जिन आप सेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड मार्जिन इस वक्त सेट हुआ हुआ है, टॉप के ऊपर 1 इंच, बॉटम पे 1 इंच, लेफ्ट पे 1 इंच, राइट पे 1 इंच, आप ये मार्जिन मार्जिनस के आपके पास स्टाइल दिए हुए हैं, इनमें से जो मार्जिन आप अपना सेट करना चाहें डायरेक्ट क्लिक करेंगे, और डायरेक्ट उस मार्जिन को इंडिविजुअल सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये चारों सेगमेंट्स एक साथ सेलेक्ट होने के बाद ये जब उसको क्लिक करेंगे तो चारों सेगमेंट एक वन सी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये मार्जिन सर पेज ओरिएंटेशन है कि आप डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंडस्केप रखना चाहते हैं, यानी आप उसकी आउटपुट स्ट्रेट लेना चाहते हैं या फिर उसके आउटपुट लैंडस्केप में लेना चाहते हैं, ये आपके पास दो पोर्ट्रेट के यानी डॉक्यूमेंट के आपके स्टाइल। इसी तरीके से आप देखें कि आप इसमें पेज का साइज़ क्या यूज़ करना चाहते हैं, ये देखें सारे आपके पेज के साइज़ यूज़ इसमें दिए हुए, जो दुनिया भर में पेज के साइज़ यूज़ होते हैं वो सारे पेज के साइज़ आप यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कोई एडिशनल पेज है तो आप उस पेज के साइज़ को भी यहाँ से इंगेज करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको डिटेल में आगे चल के हम बताएंगे कि कैसे आप यूज़ करेंगे, लेकिन अभी इसका क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो इसका इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये समझ लें कि जिन मेन्यूज पे हम काम करेंगे उनका पर्पज़ हमारे डॉक्यूमेंट पे कैसे अप्लाई होगा। तो ये देखें ये पेज लेआउट की कमांड है, सारा काम आप पेज लेआउट से, जब भी पेज की बात आए आप माइंड में आपको ऐसा कोई सवाल करेगा जी पेज पर ये करना है, तो आप सिंपली पेज लेआउट पर जाएंगे, वहाँ से इसको तलाश करेंगे। देखें इसमें पेज के कलर्स भी दिए हुए हैं, अगर आपको पेज के कलर चेंज करने हैं तो आप पेज के कलर भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपको कलर प्रिंटर है तो प्रिंटिंग आपकी इस कलर में आएगी। इसी तरीके से पेज के बॉर्डर्स हैं, वो भी आप पेज के बॉर्डर्स यहाँ से इंगेज करते हैं, जब ये पेज के बॉर्डर्स को क्लिक करेंगे तो पेज के ये बॉर्डर इस वक्त नन है, यानी इस वक्त कोई बॉर्डर नहीं, लेकिन अगर आप पेज पर बॉर्डर लगाना चाहें ओके करेंगे तो देखें पेज पर आपके बॉर्डर लग गया। अब यहाँ पर ये आप प्रीव्यू दिखा रहा है, ओके करेंगे तो देखिए आपका बॉर्डर पेज पर आ रहा है सामने। तो ये पेज के बॉर्डर्स हम यहाँ से हम सेट करते हैं, अगर हम इसको नन कर देंगे तो फिर ये पेज के बॉर्डर आपका प्रिंटिंग में नहीं आएगा, मैटर्स के बीच में होगा, पेज के बॉर्डर के बीच में।
तो देखें ये जो आपका पेज लेआउट है इसमें और बहुत कुछ भी, इसको जब हम पेज लेआउट पर जब प्रिंट आउट निकाल लेंगे उस वक्त हम सारी चीज़ें ये डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इस वक्त आपको इंट्रोडक्टरी लेवल पर इनका मैं आपको यूज़ बता रहा हूँ कि ये पेज लेआउट का ऑप्शन करता क्या 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 फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करता है। फिर रेफरेंस का मेन्यू है, ये रेफरेंस का मेन्यू आपकी बिजनेस एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं होते, यानी किसी ऑफिस वगैरह में अगर आप काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो शायद ये आपके पास बहुत कम यूज़ हो। हाँ अलबत्ता जो हमारे रिसर्च के लोग हैं, जो रिसर्च पर्पस के पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत मेन है, जिसमें कि वो डिफरेंट किस्म के अपने रिसर्च के जो ऑप्शन हैं वो सारे के सारे इसमें आप सेट करते हैं। इसमें फुट नोट आपका है, एंड नोट है, इसी तरीके से आपके आपके जो है बिब्लियोग्राफीज़ हैं सारी, ठीक है ना। जब रिसर्च के अंदर आपको भी रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करते हुए आपको बताया बहुत सारे आर्टिकल्स या बहुत सारे बुक्स का रेफरेंस भी देते हैं, बहुत सारे जो ऑथर्स होते हैं उनका भी रेफरेंस देते हैं, बहुत सारे रिसर्च का रेफरेंस देते हैं, वो सारा काम आपकी जो है वो इसमें आएगा। इसमें हम एक डिटेल लेक्चर इसमें हमने रेफरेंस के ऊपर एक बनाया हुआ, वो हम इंशाल्लाह अभी कुछ अर्से में अपलोड करेंगे। तो उसमें वो लोग जो रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं और रिसर्च को समझते हैं वो तमाम के तमाम इस मेन्यूज को बहुत आसानी से समझ लेंगे, लेकिन कोई अगर आम शख्स उसको समझना चाहे कि ये रेफरेंस का मेन्यू हम कैसे यूज़ करेंगे, तो उसको पहले जो अपने रिसर्च के जो पैरामीटर्स हैं, रिसर्च का जो तरीक़ेकार है, उसमें जो चीज़ें आपके जो प्रोफेसर्स आपको बताते हैं रिसर्च करने के पहले कि रिसर्च आपकी किस तरह से होगी, किस बेस पे होगी, वो सारी रिसर्च आप की डिटेल आपको देंगे। फिर उन ऑप्शंस को फिर आप यहाँ से यूज़ करेंगे कि हम अपनी रिसर्च में किस तरीके से अपने कनेक्शंस बनाएंगे डिफरेंट, हमारे जो अपने पेपर्स लिखते हुए या अपनी रिसर्च रिपोर्ट लिखते हुए। तो ये रिसर्च का मेन्यू हम इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते अपनी बिज़नेस एप्लीकेशंस के लिए, बल्कि हम रिसर्च बेस्ड जो आपकी एप्लीकेशंस पे हम यूज़ करते हैं। अच्छा फिर मेलिंग ऑप्शन है, ये मेलिंग ऑप्शन भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। ये तब यूज़ होता है जब आपके पास क्लाइंट ज़्यादा हों और आपके पास कोई एक लेटर आपको अपने क्लाइंट्स को भेजना है, तो आपके पास एक क्लाइंट की डेटाबेस बनी होती है। वो डेटाबेस आप दो तीन तरीक़ों से बना सकते हैं, वो एक्सेल पे भी बना सकते हैं, वो आप एमएस एक्सेस में भी बना सकते हैं और दूसरी जगह से भी डेटाबेसेस को आप इंगेज कर सकते हैं अगर डेटाबेसेस आपके पास अवेलेबल हों। तो हम क्योंकि एमएस ऑफिस जब पढ़ रहे थे तो हम एक्सेल पढ़ते हैं और हम वर्ड भी पढ़ते हैं, जो वर्ड के यूज़र और एक्सेल के यूज़र होते हैं वो अपनी ज़्यादातर डेटाबेसेस एक्सेल पे बनाते हैं। फिर उस एक्सेल पे जो है वो हमारे क्लाइंट का डेटा पड़ा होता है, जैसे कि उसका उसका नेम है, उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, ठीक है, उसकी और अदर डिटेल सारी जो हमारी सिस्टम में रिक्वायर्ड है वो सारी मौजूद हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि उस पे जाके अपना डेटा एक्सेल पे बना लेते हैं और फिर वर्ड के ऊपर हम लेटर बनाते हैं। अब लेटर क्या हो सकता है, रिमाइंडर भी हो सकता है, ठीक है जी, कोई शोकॉज नोटिस भी हो सकता है, कोई आप वार्निंग लेटर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे लेटर्स जो भी लेटर्स होंगे वो लेटर वंस आप एक बनाएंगे और जहाँ जहाँ पर नाम या एड्रेस या फ़ोन नंबर चेंज करना होगा वो हम उसका लिंक अपनी एमएस एक्सेल से कर देंगे। तो एमएस एक्सेल से क्या होगा कि एमएस एक्सेल आपका इससे वो डेटा उठाएगा, पहले क्लाइंट का डेटा उठाएगा और लेटर प्रिंट करेगा, फिर दूसरे क्लाइंट का डेटा उठाएगा, फिर वही लेटर प्रिंट करेगा, फिर तीसरे क्लाइंट का डेटा उठाएगा और लेटर प्रिंट करेगा। जब लेटर प्रिंट करेगा तो लेटर पर जो मैटर होगा वो तो सेम होगा, लेकिन जहाँ उसके वेरिएबल्स हैं, जहाँ पर उसके डेटा रखा हुआ है एक्सेल से जब उठा रहे हैं तो वो वहाँ पर चेंज होगा हर लेटर पे। तो आप इस तरह से भी, अगर आपके पास 100 क्लाइंट्स हैं तो आप 100 लेटर्स भी निकाल सकते हैं, रिमाइंडर लेटर या थैंक्स के लेटर आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इनविटेशन लेटर निकाल सकते हैं, ये आप सब इसमें लेटर का। और अच्छा एक डेटाबेस आपकी जो यूज़ होगी वो आप मल्टीपल लेटर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब डेटाबेस आपने बना लिया उसमें क्लाइंट की लिस्ट है, आप लेटर जो सा लेटर लिखना चाहें उसको इन्विटेशन लेटर लिखना चाहें इन्विटेशन लेटर लिखें, आप उसको वार्निंग लेटर लिखना चाहें वार्निंग लेटर लिखें, वही डेटाबेस सेम डेटाबेस जिसमें उसका रिकॉर्ड मौजूद है वही डेटाबेस आपकी यूज़ होगी। अच्छा अब इसमें इस तरह से है कि वो जो लेटर्स आप बना रहे हैं उस लेटर पर आप जब उसको कंट्रोल करेंगे थ्रू एक्सेल शीट तो ये कैसे आपस में ज्वाइन होगा, तो ये कहलाता है मेल मर्ज, ठीक है। तो एक जगह डेटाबेस पढ़ी, एक जगह लेटर पढ़ा, दोनों को हम मेल मतलब मर्ज करते हैं और उसको हम आगे मेल आउट करते हैं। तो ये इसमें प्रिंट आउट भी डायरेक्ट निकल जाता है और फिर इसके अलावा आप इसको ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा दूसरा कि ये जो आप काम कर रहे हैं मेल मर्ज का, इसके अंदर अगर हम चाहें कि 100 हमारे पास क्लाइंट्स हैं या हमारे पास 200 है या 500 है या 1000 है,
हम चाहते हैं कि जी हम कंडीशन लगाना चाहते हैं, हम कहते हैं तमाम उन जैसे फर्ज करें मैं किसी कंपनी की एक मिसाल दे देता हूँ, अगर किसी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं और कंपनी के अंदर आप चाहते हैं कि जी तमाम लोगों को हम मीटिंग्स के लिए बुलाएं, लेकिन अभी हम पहले फेज़ में हम क्या करते हैं कि हैदराबाद और कराची के लोगों को बुलाते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जी हम जो इन्विटेशन लेटर बनाएंगे उसमें हम उसके उस पर हम कंडीशन लगा देंगे। किस पे कंडीशन लगाएंगे? हम अपने आ, 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 अपने सेगमेंट पे कंडीशन लगा देंगे कि जी कौन से लोग जिनका डेजिग्नेशन मैनेजर है और उनकी सिटी हैदराबाद या कराची है, तो उन 100 लोगों में से सिर्फ उन्हीं लोगों के लेटर्स निकलेंगे जो उस कंडीशन को मीट कर रहे होंगे। अब आपके पास डेटाबेस में यानी एक्सेल पे आपके पास उनके डेजिग्नेशन भी पड़े और उनके सिटी भी पड़े, तो उसमें कुछ लोग कराची के हैं, कुछ लोग हैदराबाद के हैं, कुछ लोग सक्खर के हैं, कुछ लोग मुल्तान के हैं। तो आपने क्या 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 कहना है, पहले फेज़ में हैदराबाद और कराची के लोगों को बुलाना है, और किन को बुलाना है? जिनका डेजिग्नेशन मैनेजर है। तो आप पहले जाकर डेजिग्नेशन पे पहले चेक लगाएंगे, डेजिग्नेशन इक्वल्स टू मैनेजर, और फिर आप सिटी पे आएंगे, सिटी पे चेक लगाएंगे, सिटी हैदराबाद और कराची। ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, जिस वक्त यूज़ करना शुरू करेंगे तो प्रैक्टिकली स्क्रीन के ऊपर आपको सारी चीज़ें आ रही होंगी। तो जो मेल मर्ज है उसमें आप कितनी कॉम्प्लेक्स कंडीशन लगा दें तो वो उस कंडीशन को जाके ट्रू करेगा, और उसी कंडीशन के मुताबिक आपके जो रिकॉर्ड है उसको सर्च करके उसको प्रिंट करेगा। तो 100 लोगों में से अगर फर्ज करें 20 लोग ऐसे हैं जिनका डेजिग्नेशन मैनेजर है और उनकी सिटी कराची हैदराबाद है, तो वो 20 लेटर्स ही सिर्फ निकलेंगे, इसके अलावा आपके लेटर्स नहीं निकलेंगे। यानी आपने जो कंडीशन लगाई उसके मुताबिक आपकी डेटाबेस से वो रिकॉर्ड्स पिक होंगे और आपके लेटर्स निकलेंगे। अच्छा, इसमें सिर्फ लेटर्स ही नहीं निकाल सकते, बल्कि आप लेवल भी निकाल सकते हैं, एनवेलप्स भी निकाल सकते हैं, और बहुत कुछ भी इसमें काम होता है। लेकिन ये काम क्या होता है कि किसी ग्रुप के लिए होता है कि जी ग्रुप में आपके पास डेटा पड़ा हुआ और आप उसमें से किसी भी सेगमेंट को निकाल करके आप लेटर या उनके लेबल्स या आप उनके एनवेल्स बनाना चाहें तो आप इजीली इस मेल मर्ज के मेन्यू से आप काम करते हुए बना देते हैं। इंडस्ट्री में ये चीज़ अच्छी यूज़ होती है उन जगहों पर जहाँ पर करस्पॉन्डेंस ज़्यादा होती है, जहाँ पर क्लाइंट्स ज़्यादा हों, या आपके पास वो लोग जिनके साथ आपके कम्युनिकेशन रहती है उनकी डिटेल्स आपके पास मौजूद हों, तो उसके मुताबिक फिर आप तमाम अपने जो कम्युनिकेशन है, करस्पॉन्डेंस है, उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं, थ्रू करस्पॉन्डेंस उसको आप कंट्रोल करते हैं। मेल मर्ज का ऑप्शन बेहतरीन आपका ऑप्शन है और ये फील्ड में यूज़ होने वाली चीज़ है। इस तरह से रिव्यू का मेन्यू है, रिव्यू के मेन्यू के अंदर जैसा कि वर्ड है रिव्यू, तो रिव्यू का मतलब या तो हम कहते हैं भाई ये लेटर है मेरा, या दर उसको रिव्यू तो कर लो, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं। तो ये रिव्यू का मेन्यू एक्चुअली आपके रिव्यू के लिए है। रिव्यू का मतलब आपकी स्पेल की चेक, आपके ग्रामर की चेक, और आपके दूसरे जो ऑप्शन हैं ग्रामर से रिलेटेड, उन सबको ये इजीली आपको वर्कआउट करके देता है। प्रूफिंग के अंदर ये सारी डिक्शनरी आपकी मौजूद है, इसमें आपके काम, इसमें आपका सारा काम होता है। इस तरह से आपके और दूसरी चीज़ें इसमें के यहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं आपकी आपकी रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इसमें हम पासवर्ड लगा देते हैं अपनी फाइल को कि वो फाइल रीड ओनली होती है, नज़र तो आएगी लेकिन बट उसके ऊपर आप चेंजिंग नहीं कर सकते। यानी बाज लेटर ऐसे होते हैं जो मैं कहता हूँ मैंने बना दिया लेटर और मैं चाहता हूँ वो लेटर जब कोई मेरा दूसरा कोई यूज़र आके उसको खोले, वो लेटर देख ले, या डॉक्यूमेंट है उसको एक से ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं, तो वो इजीली जो है वो उस डॉक्यूमेंट को देख तो लेगा, बस पे एडिट नहीं कर सकेगा। कोई चीज़ अगर चेंजिंग करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, और इस पर पासवर्ड लग जाता है, जिसको पासवर्ड पता होगा वही आपको जो है उस पर एडिट करेगा। इस तरह से फिर ट्रैक चेंजेस की कमांड्स हैं, अगर कहीं पर किसी डॉक्यूमेंट में कोई चेंजिंग होती है तो वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कि भी यहाँ पर चेंजिंग हुई हुई है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, फर्ज करेंगे मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया, मैंने कहा सर आप रिव्यू कर दीजिएगा उसको, उसमें जहाँ चेंजिंग हो बता दीजिएगा, तो वो क्या करेंगे जहाँ जहाँ चेंजिंग होगी वो चेंजिंग कर देंगे, लेकिन वो चेंजिंग मुझे पता चलेगी कि मेरे बॉस ने इन इन जगहों के ऊपर चेंजिंग की है, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ एक्सेप्ट, यानी मुझे ये पता चल जाएगा मैंने क्या लिखा था और उन्होंने फिर उसकी जगह क्या लिखा है, तो दोनों चीज़ें लिखी हुई होंगी। तो अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा तो वो जहाँ पर उन्होंने चेंजिंग की होगी वो अब परफॉर्म हो जाएगी, और पुराने वाला जो डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, और जो एक्सचेंज डेटा होगा वो उस पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं रिजेक्ट कर दूंगा तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब जो जो चेंजेस ट्रैक चेंजेस हमने किए हैं वो चेंजेस रिजेक्ट हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकली जब इसको हम करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो रिव्यू के अंदर आपके पास सारी वो चीज़ें जो आपकी डॉक्यूमेंट को रिव्यू पर ले जाती हैं, मतलब डॉक्यूमेंट को और बेहतर बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर हम इसमें आ जाते हैं आप व्यू। अच्छा, इसमें रिव्यू के मेन्यू में ज़्यादातर जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो स्पेल ग्रामर वगैरह ये इनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम कुछ कमेंट्स वगैरह भी यूज़ करते हैं इसमें, अगर हमें कोई ऐड करने हो किसी सेक्शन से रिलेटेड कमेंट्स तो हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इस तरह से आपकी जो इसमें ज़्यादातर जो हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, यानी डॉक्यूमेंट ओपन होगा
उस डॉक्यूमेंट के पर को पढ़ सकेंगे आप, लेकिन उस पर काम नहीं कर सकेंगे। ये वाला ऑप्शन हम प्रोटेक्ट का ऑप्शन भी इस पर यूज़ करते हैं, जो कि रीड ओनली आपके डॉक्यूमेंट को बना देता है, इस पर पासवर्ड लगा सकते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन आपका है व्यू का। इस व्यू के ऑप्शन में जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं उसका ताल्लुक सिर्फ स्क्रीन से है, इसका कोई इम्पैक्ट प्रिंटर पर नहीं पड़ता। अब जैसे कि ये हमारा स्क्रीन है, इस पर आप ये देखें, ये आपको काम करने के लिए कह रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करता है। अगर मैं इस पर ग्रिड लाइन ओपन कर दूँ तो देखें, ये ग्रिड लाइन मुझे बताएगा कि ये मेरा वर्किंग एरिया है, यानी अब ये, लेकिन प्रिंटिंग में प्रिंट नहीं होगा। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये प्रिंटिंग में प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा? क्योंकि ये व्यू का ऑप्शन है, इसे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मैं जो काम यहाँ कर रहा हूँ, ये देखें मैं लिख रहा हूँ, तो ये एक्चुअली ये यहाँ पर आ रहा है, बट जब मैं इसका प्रीव्यू कभी देखूंगा तो ये प्रीव्यू में हमें नज़र नहीं आ रहा। देखें कहाँ है प्रीव्यू में नज़र, प्रीव्यू में तो नज़र हमें नहीं आ रहा इसका। तो ये ऑप्शन हम देखें कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये ऑप्शन हम अपने यूज़ कर रहे हैं अपने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के हद तक कि भाई हमें वर्किंग एरिया में पता लग जाए कि जी हमारा वर्किंग एरिया कहाँ से कहाँ तक है। तो ये रिव्यू के अंदर ये व्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर जो चीज़ आ रही होती है वो नज़र आएगी, बट वो प्रिंटिंग में प्रिंट नहीं होगी। अच्छा, ग्रिड लाइन मैंने हटा दी तो ग्रिड लाइन हट गई। इस तरह से ये आपको रूलर नज़र आ रहा है आपका, ये आपका स्केल है जो आपको नज़र आ रहा है। अगर इसको मैं ऑफ़ कर दूंगा तो ये नज़र नहीं आएगा, ये छुप गया। एक्चुअली काम तो करेगा, ये वही है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। तो बाद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग कि भाई मेरे पास तो ये नहीं आ रहा, आपके पास आ रहा है, या आपके पास आता है मेरे पास नहीं आता। तो एक्चुअली क्यों नहीं आता? क्योंकि व्यू में जाके, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्यू में जा करके आप इस रूलर को जब ऑन कर लेते हैं तो आपको टोटल आपकी को पता लगता है कि हम किस लाइन और लेंथ में काम कर रहे हैं। देखें, ये आपका यहाँ से इतना एरिया आपका वर्किंग एरिया है, ये आपका लेफ्ट मार्जिन है, ये आपका राइट मार्जिन है, और ये आपका टॉप मार्जिन है। यानी डॉक्यूमेंट आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इतना एरिया वो फ्री छोड़ेगा 1 इंच का, ये इंचेस के अंदर होता है। तो 1 इंच टॉप पर, 1 इंच बॉटम पर, 1 इंच लेफ्ट पर, 1 इंच राइट के ऊपर आपको ये लेके चल रहा है। और फिर एंड पर अब आप जाएंगे तो देखें बॉटम लाइन पे भी आपको दिखा रहा है कि जी बॉटम हमारा कहाँ है। ठीक है, तो ये देखें, ये बॉटम लाइन आपको दिखा रहा है, ग्रे एरिया बता रहा है कि 1 इंच हमारा बॉटम है। तो आप यहाँ से स्क्रॉल करके इसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये व्यू के अंदर कन्फ्यूज़ नहीं होगी, व्यू के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सारी आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन डिस्प्ले को शो करती हैं। इसलिए जूम में मैं अगर जाऊँ तो जूम में मुझे पता चलेगा कि मैं इस वक्त किस कितने जूम लेंथ पे काम कर रहा हूँ। मैं 110 पे काम कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 200 कर दूंगा तो 200 से देखें मुझे कोई स्क्रीन अपना बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, और उसमें फ़ॉन्ट भी देखें मुझे बड़े नज़र आ रहे हैं। तो इससे फ़ॉन्ट का साइज़ नहीं इंक्रीज हुआ, बल्कि व्यू का साइज़ जो है इंक्रीज़ हो गया, यानी जो जूमिंग है वो बढ़ गई है, तो इसलिए चीज़ें बड़ी नज़र आ रही हैं। ठीक है, जैसे हम बाद अपने ग्लासेस लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि जी, जैसे मेरे ग्लास लगे हुए तो इससे मुझे पता लगता है कि जी मुझे बड़ा नज़र आ रहा है। अगर तो एक्चुअली फ़ॉन्ट वही है, लेकिन मुझे व्यू जूमिंग में मेरा जूम जो है वो मुझे हर करेक्टर जो है वो साफ नज़र आ रहा है। तो ये जूमिंग यही है। अगर आप उसकी जूमिंग को दोबारा कंट्रोल कर लेते हैं और उसको ऐसे देखें, जूम है दोबारा अपनी जगह चला गया, तो ये जूमिंग का जितना भी आपका ऑप्शन है वो यहाँ से आप अपनी जूमिंग को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इसमें जूमिंग के सारे ऑप्शन दिए हुए, अपनी मर्जी से भी परसेंट डाल सकते हैं। 100% पे मैंने इसको भी रखा हुआ है। ठीक है, अगर 75 पे करूँगा तो 75 पे देखें ऐसे स्क्रीन आएगा, छोटा स्क्रीन होके आ गया। तो बेहतर ये है कि हम इसको 100 पे रखें ताकि हम अपने स्क्रीन को वाजे तौर पर देख सकें। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को 1 पेज पे लेना चाहते हैं, 2 पेज पे लेना चाहते हैं, तो अगर आप कहते हैं जी 2 पेजेस पे है, तो देखें ये 1 पेज आ गया, दूसरा पेज होता उसके बराबर में आ रहा होता। अगर आप 1 करेंगे तो 1 पेज डॉक्यूमेंट आपको शो करेगा। और जूम इसका आप दोबारा 100 कर दें ताकि ये आपका अपने एग्जैक्ट साइट के ऊपर आपके पास आ जाए। तो यहाँ पर पेजेस के हिसाब से, यानी जितना कुछ भी है यहाँ मैटर और कमांड्स दी हुई हैं, ये आपकी सारी की सारी जो दी हुई है ये आपकी इस डिस्प्ले से रिलेटेड है। इसका प्रिंटर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूंगा तो देखें ये फुल स्क्रीन कैसे ऐसे आएगा। ठीक है, देखें इस तरह से ये फुल स्क्रीन आ रहा है व्यू में। ठीक है, और अगर इसको हम चाहेंगे कि जी इसको हम क्लोज़ कर दें तो देखें दोबारा, अगर हम चाहेंगे तो इसको पेज लेआउट पर ले आएँ तो अच्छा ड्राफ्ट पर ले आएँ तो देखें ड्राफ्ट पर आ गया। इस तरीके से इसका जूमिंग चेंज हो गई, चीज़ें वही हैं लेकिन ये इसका जूम चेंज हो गया और इसका व्यू चेंज हो गया। और जब हम इसको करेंगे प्रिंट लेआउट तो स्टैंडर्ड प्रिंट लेआउट ही होता है, इसमें कंप्लीट बताता है कि प्रिंटिंग इस पर आप किस तरीके से अपनी कंट्रोल करेंगे। तो इसका ताल्लुक सिर्फ स्क्रीन की हद तक से, इसको हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक रूलर, और इसको हम यूज़ करते हैं क्योंकि रूलर हमारे इस्तेमाल में आता है। हम चाहेंगे जब हम काम करें तो लाइन और लेंथ हमें पता हो तो हमें रूलर को जाके इसके ऑन कर लीजिए। जब आप ऑन कर लेंगे तो स्क्रीन पर आपके पास रूलर आ जाएगा। और इसका प्रिंट लेआउट हमेशा ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है प्रिंट लेआउट यही रखिएगा ताकि डॉक्यूमेंट कंप्लीट आपको अपीयर हो जिस फॉर्मेट में वो चल रहा है। तो ये था इसका आपके इंट्रोडक्शन।
इसके अंदर एक और स्पेशल मेन्यू जो हम ऐड करते हैं, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही, फ़िलहाल हम इसको भी नहीं करते। ये स्टैंडर्ड्स के मेन्यू थे जिन पे हम काम करते हैं। तो हमारा जो ये लेक्चर था, इसमें हमने आपको बताया कि जी आपके जो MS ऑफिस में जो ये जो आपके मेन्यूज़ हैं ये क्या काम करते हैं। ठीक है, अब हम जा कर के इनकी वन बाय वन इसके पर नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है उसमें हम यूज़ करेंगे कि होम मेन्यू किस तरह से यूज़ होता है, उसमें कौन कौन से ऑप्शन यूज़ है। एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर हम सारी फॉन्ट्स की कमांड को अप्लाई करेंगे। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपकी डॉक्यूमेंट कैसे बनता है, उसमें डॉक्यूमेंट में कैसे काम करते हैं और डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन कैसे होगी, उसमें फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट के किस तरह से हम उसको चेंज करते हैं, इसकी सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हम आपको बताएंगे। ये जो लेक्चर है, ये जो आगे आने वाला लेक्चर है, वो इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी पूरी डॉक्यूमेंट की मैनेजमेंट उसमें मौजूद है कि डॉक्यूमेंट आपका बनता कैसे, और उस पर डॉक्यूमेंट भी सारी कमांड्स हम अप्लाई करेंगे उस पर। फिर वन बाय वन करके ये लेक्चर आगे चलते जाएंगे, बाद आगे जाएंगे उसमें बुलेट्स भी ऐड होंगे, उसमें फिर मार्जिन की सेटिंग्स होंगी, उसमें और दूसरी चीज़ें होंगी। वन बाय वन करके आप उसको फॉलो करते जाइएगा तो आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर ये समझ में आ जाएगा। ये दो लेक्चर हमारे लास्ट अभी जो गुजरे हैं उसमें हमने आपको सिर्फ इसमें टाइटल बार पढ़ाया है और आपको हमने मेन्यू बार इन डिटेल में बताया कि मेन्यू होते कितने को। आपसे ये पूछे मेन्यूज कितने बाय डिफॉल्ट होते हैं, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 मेन्यूज होते हैं, जिसमें एक मेन्यू और इंक्लूड कर दें फाइल के मेन्यू, तो ये 8 आपके मेन्यूज होते हैं। वैसे आपके अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आपके बेसिक मेन्यूज हैं और फाइल का मेन्यू मिला के 8 मेन्यूज, ताकि कंप्लीट आंसर जो है वो आप दे सकें। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को अपने एंड कर रहे हैं। आप उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, बहुत डिटेल में मैंने आपको इसमें चीज़ें बताई हैं और इसमें जो कुछ आप आगे चल के करेंगे तो आपको मेन्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा मेन्यू किस पर्पज़ के लिए कौन सा मेन्यू यूज़ होगा। पहले में पता तो हो कि हम जब MS ऑफिस पे काम करेंगे, जब हम वर्ड पे काम करेंगे तो MS वर्ड के अंदर कौन सा मेन्यू किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। तो इसमें हमने यही बताने की कोशिश की कि ये आपके 6 मेन्यूज़ आपके हैं और 7वां मेन्यू, ये मेन्यूज़ बेसिकली किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं ये हमने आपको बताया। अब इसकी एप्लीकेशन कैसे यूज़ होगी, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इसकी डिटेल, इसकी डॉक्यूमेंट बना के उसको हम उस तरह से लेके चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप वो अपने हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसको आपको उसका आंसर आपको करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।